फिलहाल हमारे क्वेश्चन नंबर वन है, विच नंबर इज ओड वन आउट। ओड वन का मतलब ओड नंबर नहीं है, ओड वन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, जहां पर भी ओड वन आ जाए, ये तो चौथा टेस्ट है आप मुझसे पूछ रहे हैं। मुख्तलिफ का इसका मतलब होता है मुख्तलिफ, ओड वन का मतलब क्या होता है मुख्तलिफ, यानी कि आपको इस पूरे नंबर्स में जो बबल में नंबर्स लिखे हुए हैं 4, 28, 36, 8, 32, 5, 9, 20, 16, 18, 56, 14 और 7, ये आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर्स में आपको कौन सा नंबर ओड नजर आ रहा है? ओड ये नहीं नंबर के भाई ओड नंबर कौन सा है, कौन सा मुख्तलिफ है, कौन से तरतीब से मुख्तलिफ हो रहा है, मैं बताएगा क्या आंसर आपने 18 लिखा था। यस सर। अच्छा 18 आपने कैसे लिखा, किसने बोला यस सर, 18 कैसे लिखा था आपने सर? ये मुख्तलिफ है सबसे, मुख्तलिफ है सबसे 18 इसके, शाबाश। ये सारे के सारे बाकी 18 के अलावा बाकी सारे के सारे नंबर 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर 4 को मल्टीप्लाई करवाएं, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 बनता है। तो आपको पहला नंबर 4 नजर आ रहा है और बीच में आपको नंबर 16 भी नजर आ रहा होगा, तो ये 4 और 16 एक पेयर हो गए। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 बनता है, तो 5 और 20 नजर आ रहा है आपको। 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है, 32 नजर आ रहा है 8 के साथ ही बिल्कुल। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है, 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 28 नजर आ रहा है, 7 4 28 5 4 20 14 4 56, यानी 18 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो आपके पास 18 मुख्तलिफ नंबर था, 18 क्या था, मुख्तलिफ नंबर था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 भी ओड वन वाला है। आपको शेप्स दी हुई हैं, फोल्डेड शेप्स हैं, अगर किसी कागज को फोल्ड किया जाए तो इस तरीके से होता है। विच इज द ओड वन आउट, आपको कौन सी शेप ओड नजर आ रही है? ऑप्शन ई आपको इसलिए दिया गया है कि अगर आप सारी ऑप्शंस देखेंगे, सारे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में देखेंगे तो आपको ट्रायंगुलर शेप 3 नजर आ रही है, समझ आ रही है, ट्रायंगुलर शेप्स नजर आ रही है, ट्रायंगल है। ऑप्शन बी पर देखा जाए तो आपको पेंटागोन नजर आ रहा है, 5 पेंटागोन, तीनों शेप्स आपको पेंटागोन नजर आ रही है। पेंटागोन कोई बताएगा पेंटागोन क्या होता है? कल बताया था मैंने, 5 कॉर्नर्स वाली शेप को पेंटागोन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन सी में देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, क्वाड का मतलब क्या होता है, 4, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स वाली शेप आपको नजर आ रही है, एक जैसी है। लेकिन ऑप्शन डी में देखा जाए सारी ट्रायंगल है, ऑप्शन एफ में देखा जाए सारी एक जैसी शेप्स हैं, ऑप्शन जी में देखा जाए सारी एक जैसी शेप है, लेकिन ऑप्शन ई पर आपके पास 2 स्क्वायर हैं लेकिन एक ट्रायंगल है, तो इसलिए ये आपके पास ओड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, 1, 2, 0, 3, -1, 1, 4, ठीक है, -1 एंड 4, फिर आगे इसके क्वेश्चन मार्क बताना था, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर क्या आएगा, व्हाट कम नेक्स्ट, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, -2 और 5, एक नंबर बताना था बेटा। अगर देखा जाए जो नए आने वाले हाजरीन हैं, ये सवाल मैं बार बार हर टेस्ट में रिपीट कर रहा हूँ, 1 के अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 के बाद 0, 0 से 1 कम करो तो -1, -1 से 1 कम करो तो -2 आता है, ये अगला नंबर था, क्वेश्चन मार्क से अगला नंबर था। अगर इसको देखा जाए इवन पोजीशन पे 2 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अरे बस सुन, क्वेश्चन नंबर 4 है सीक्वेंस, 3 लाइनें आपको सीक्वेंस के बाद दी हुई हैं, अब 3 लाइनें आपको सीक्वेंस के बाद दी हुई है, अगर आप तीनों में आप देखो तो बॉक्सेस में आपको डिफरेंट शेप, एक में ब्लैक डॉट है, एक में डायगोनल लाइन है और एक में आपके पास ये कौन सी शेप की लाइन, ये आपके पास जो है ना वो कोई एक शेप है जो ब्लैक तरीके से नजर आ रही है, उसके बाद ब्लैक सर्कल, ब्लैंक सर्कल है, आपने तीनों की मूवमेंट को देखना है, चौथी लाइन बतानी है, वो है विच ऑप्शन बिलो कंटिन्यूज द अबव सीक्वेंस, जो आपके पास 4 लाइनें नीचे दी हुई हैं वो चौथी लाइन बनाएंगी। चौथी लाइन कैसे बनेंगी, पहली लाइन पे अगर आप देखें तो आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहा होगा, ये ब्लैक डॉट एक दूसरी लाइन पे एक पीछे एक साइड एक पोजीशन पीछे लिए इसने, एक स्क्वायर पीछे गया है और फिर उससे 3 स्क्वायर आगे आया,
थर्ड पोजीशन पे आया है, पहले माइनस वन की है फिर प्लस थ्री की है, तो ये थर्ड पोजीशन पे ब्लैक डॉट आया है। तो एक कम कर रहे और तीन ज्यादा कर रहे हैं, ब्लैक डॉट को देखा जाए तो एक कम और तीन ज्यादा। अगर ऑप्शन ऑप्शन ई पर देखा जाए तो अब तीसरे पोजीशन से तीसरी चौथी पोजीशन से एक कम करेंगे तो तीसरी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो तीसरी पोजीशन का आंसर था डी सी डी ई, सी डी ई तीनों थे ब्लैक डॉट। तो तीनों में अब ये ऊपर वाले दो तो माइनस हो गए हमारे ब्लैक डॉट की वजह से। ब्लैक डॉट कैसे मूव हो रहे हैं, ब्लैक डॉट एक माइनस एक स्क्वायर माइनस कर रहे, एक लाइन पे अगली लाइन पे प्लस थ्री कर रहे, अगली लाइन पे क्या कर रहे प्लस थ्री। माइनस वन किया तो उसने वो पहले स्क्वायर पे आ गया, और जब प्लस थ्री किया तो चौथे स्क्वायर पे चला गया ब्लैक डॉट तीसरी लाइन पे। तो आपने अगर देखा तो आपके ऑप्शन ए और बी तो कट गए, सी डी ई रह गए। अब जरा देखें, अब जरा देखें कि इसके साथ ब्लैक डॉट के साथ ये जो डायगोनल लाइन है, डायगोनल लाइन आपके पास एक बढ़ रही है और तीन कम हो रहा है, एक बढ़ रही है। अब यहां पर पहले डायगोनल लाइन की अगर देखा जाए तो प्लस एक हो रहा है और तीन माइनस हो रहा है। तो अगली पोजीशन पे इसने तीन माइनस किया हुआ है, एक प्लस करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। सेकंड पोजीशन पे आपके पास सी और ई है, ऑप्शन ए और बी को तो आपने काट दिया था, अब आपके पास सी और ई रह गया, या तो सी है या तो ई है। फिर इसी तरीके से वो दूसरी शेप को अगर देखा जाए, वो ए दो माइनस हो रहे और एक बढ़ रहा है, उसकी पोजीशन क्या है माइनस दो हो रहे और एक बढ़ रहा है। तो इसको अगर देखा जाए तो आपके पास लास्ट में अगर माइनस दो करें तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, तो आपके पास ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। ब्लैंक सर्कल को भी देख सकते हैं, आखिर में जो बच जाए उसकी पोजीशन देखेंगे किस तरीके से मूव हो रहा है, एक बढ़ रहा है और दो कम हो रहे हैं। तो आगे एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ेगा तो फिर आपका पोजीशन देख सकते हैं। आपको तीन से ही आपका आंसर आ रहा है, फिल्टर आउट हो गया आपका ऑप्शन ई बन गया। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर फाइव पर। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर मैंने लिखा हुआ 45। ठीक है भाई, आप लोगों ने डिफरेंट रखा होगा, डिफरेंट लॉजिक से। ठीक है, पिछली क्लास में आप लोगों ने अच्छा किया था कि मैंने तो अपनी लॉजिक बता दी, आप लोगों सवाल सॉल्व करने की लॉजिक मैंने अपनी बता दी, लेकिन आप लोगों ने अपनी लॉजिक से उस सवाल को और तरीके से करके दिखाया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई फोर आता है दो वैल्यूज को प्लस करने से। ठीक है, एक टू प्लस टू भी हो सकता है, 1 प्लस 3 भी हो सकता है, 3 प्लस 1 भी हो सकता है, 0 प्लस 4 भी हो सकता है, 4 प्लस 0 भी हो सकता है, सही है, या फिर दो चीज के एडिशन है तो माइनस 4 प्लस 2 भी हो सकता है, या सॉरी प्लस 6 और माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस 4 का आंसर आ रहा है। कितनी पॉसिबिलिटीज है, आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए, प्रैक्टिस के तौर पे आपने इस सवाल को सॉल्व करना था अपनी लॉजिक के हिसाब से। ऑप्शन आपको इसलिए नहीं दिए हुए कि भाई आप अपनी लॉजिक लगाएं, जरूरी नहीं है कि मेरे वाला आंसर आएगा, मैंने तो अपने आंसर लेकर आया हूं, आप अपने आंसर दिखाएं। जैसे मैंने फाइव बनाया हुआ था, आपने माइनस टू करवा दिया, कुछ तो मेरी भी गलती हो सकती है ना, परफेक्ट तो नहीं है बंदा। तो क्वेश्चन नंबर फाइव पे आपका क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपके पास है कि पहली शेप को देख रहे हैं, पहले ट्रायंगल को बेटा बात नहीं, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 12 6 जा 72, 72 में से 9 को माइनस करेंगे तो मिड वाला जो शेप क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है 63 बन रही है। इसी तरीके से 13 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 52 आता है, 7 माइनस 45, 52 में से 7 को माइनस करेंगे तो 45 आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, यहां पर भी वही सीक्वेंस आ रहा है। अब देखिए बेटा, यहां पर जो नंबर आ रहा था वो बता रहा था बेटा, देखिए आपके पास अगर हम 17 को 5 से प्लस करें, 17 और 5 क्या है 22, ये हमने किया प्लस, ठीक है, और अब हम इसको इससे माइनस करें तो क्या आता है 8, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करें 176, 8 2 का क्या हो जाएगा 16, 1 कैरी 8 2 का 16 प्लस 1 176 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे वाले डायगोनल के नंबर को हमने मल्टीप्लाई प्लस किया है और ऐसे वाले डायगोनल के नंबर को माइनस किया है, इसको प्लस किया था तो 22 आया है, इसको माइनस किया 10 में से 2 गए तो 8 बच रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 176 आ रहा है। उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने क्या लिख दिया बेटा 176। अब ठीक है, अब
आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? डिफरेंट लिखा है आपने, डिफरेंट तरीके से लिया है. 4 upon 3 या 1 upon 3d या 1.3333. ठीक है ना, आपके पास तीन आंसर थे, एक तो फ्रैक्शन में, एक तो मिक्स नंबर में और एक तो डेसिमल नंबर में. अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, कंपैरिजन. कंपैरिजन यानी कि एक शेप को दूसरी शेप से क्या करना है, कंपेयर करना है, मुआजना करना है. यानी कि अगर अगर ये शेप ऐसी बन जाए तो आपके पास तीसरी जो शेप है उनमें से ये सारे ऑप्शन कौन से होंगे. अब जरा देखें, ऑप्शन ई है क्योंकि इसको अगर रेसिप्रोकल किया जाए, यानी कि रेसिप्रोकल इसका उलट किया जाए और ब्लैक डॉट इसका मूव किया जाए, तो ये अगर ये बन रही है तो ऑप्शन इससे जो आपका पहली वाली देन के बाद वाली जो शेप है ऑप्शन ई बना रही है. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अच्छा भाई एक रूल आपने पढ़ा हुआ है, डिमास रूल, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, एन फॉर एडिशन, एस फॉर सबट्रैक्शन है. ये सीक्वेंस बताएगा आपने सॉल्व कैसे करना है. तो सबसे पहले तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है. माइनस 8 6 8 का क्या होगा, 48. माइनस 5 2 का क्या हो जाएगा, 10. माइनस माइनस प्लस 48 माइनस 18 हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा. लास्ट बेटा क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क. अब इसमें यह हुआ कि आपके पास जो लास्ट रो है 8, 4, 16 और अगला बताना था. 8 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 16 टू द क्या हो जाएगा, 32. ठीक है बेटा, तो आपको प्रीवियस भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 3, अगर टेस्ट नंबर 3 समझना चाहते हैं तो वो भी ओपन करके पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन, और जो कल एब्सेंट थे वो पूछ सकते हैं. ठीक है बेटा, तो अभी तक के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह आपको कोई डिस्कशन करनी है तो ग्रुप अवेलेबल है. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़.